हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं दम आलू की सब्ज़ी। उसके लिए हमें कुछ आलू चाहिए जिसे मैंने छील लिया है और छील के उसे दो इसमें डिवाइड किया है। आप चाहे तो छोटे छोटे आलू ले सकते हो। मैंने कुकर में इसे मैं एक सीटी करने वाली हूँ। कुकर में मैंने ऑयल डाल दिया है, ज़्यादा ऑयल नहीं डाला मैंने, सिर्फ एक चम्मच ऑयल डाला। और जो आलू मैंने छीले थे उस आलू को मैं ये कुकर में डाल रही हूँ। इससे क्या होगा कि हमारी सब्ज़ी फटाफट बन जाएगी और टेस्टी भी बनेगी। तो हमने सिर्फ इसे हिलाएंगे, मतलब तेल अच्छे से सभी आलू को लग जाएगा इस तरह से। ये जो सब्ज़ी हम बनाने वाले हैं ये विदाउट प्याज और विदाउट लहसुन बनाने वाले हैं, यानी हम इसमें लहसुन और प्याज का यूज़ नहीं करने वाले हैं। तो मैंने थोड़ा नमक डाल दिया है एक चम्मच, और हमें इसे ओनली एक सीटी करना है। आलू को ढक्कन लगा देंगे। देखिए अभी हमारे कुकर की एक सीटी हो रही है, सीटी हो गई है कुकर की एक। इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे और खोल लेंगे। तो अभी हमने कढ़ाई रखी है और इसमें मैं 4 चम्मच ऑयल डालूँगी। हम मसाले की सब्ज़ी में थोड़ा ज़्यादा ही ऑयल यूज़ करते हैं, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ पूरा कि मैं कम ऑयल यूज़ करूँ। हम यहाँ पे मैंने करीब 5 टीस्पून यानी जो हम नाश्ते का स्पून है उससे ऑयल डाला है। अपना ऑयल गर्म हो चुका है इसलिए मैंने इसमें राई जीरा डाल दिया है। और बिना हींग के तो सब्ज़ी हमारी उतनी टेस्टी नहीं लगती, यानी एक अलग ही खुशबू आ जाती है सब्ज़ी में। तो मैं यहाँ पे लहसुन की जगह पे और प्याज और लहसुन का जो काम करेगा वो काम हमारा अदरक करेगा, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा अदरक डाल रही हूँ कंपेयर टू अदर सब्ज़ी में जो हम अगर अदरक यूज़ करते होंगे उससे थोड़ा ज़्यादा डालेंगे। इसमें मैंने सिंगदाना पाउडर यूज़ किया है करीब 5 चम्मच, मतलब 5 टीस्पून। इसे हम तेल में अच्छे से भूनने देंगे। जैसे भूनेगा ये हमारा मसाला गाढ़ा करने के लिए और मसाला ग्रेवी बनने का काम करेगा। यहाँ पे मैं हींग डाल रही हूँ, मैंने 1/2 स्पून हींग डाला है और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डाला है। इसे हम अच्छे से होने देंगे। यहाँ पे करीब मैं 4 चम्मच धनिया पाउडर डाल रही हूँ। हो सके तो मसाले घर पे बनाइए, धनिया पाउडर स्पेशली, क्योंकि जो खुशबू और जो स्वाद धनिया पाउडर का आता है वो घर पे जो हम धनिया पाउडर तैयार करते हैं उसी से आता है। बाहर मार्केट से जो धनिया पाउडर लाते उसमें वो स्वाद नहीं होता। ये 2 टमाटर थे मीडियम साइज़ के, उसका मैंने मतलब उसे पीस लिया था मिक्सर में और वही मैंने इसमें डाल दिया है, 2 टमाटर पीसे हुए। तो देखिए हमारा मसाला जो है वो लगभग रेडी हो चुका है, मतलब भून गया है। तो इसमें मैं मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ, ये कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर है, ज़्यादा तीखी नहीं है, कलर में है, इसलिए मैंने यहाँ पे करीब 3 चम्मच डाले हैं। अगर आप तीखा पसंद करते हो तो आप ज़्यादा मिर्ची पाउडर डाल सकते हो। ये बिल्कुल भी तीखी मिर्ची पाउडर नहीं है, ओनली कलर है, क्योंकि हमारे इधर तीखा ज़्यादा नहीं खा पाते। अभी मैंने जो आलू किए थे कुकर में वो आलू अभी मैंने इसमें मिक्स कर दिए हैं। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें और एक इंग्रेडिएंट्स में जो यूज़ करने वाली है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उससे हमारे सब्ज़ी में एक अलग ही टेस्ट आएगा, वो है फुल क्रीम मिल्क। मतलब इसमें दूध और क्रीम दोनों हैं और ये फ्रेश है, अभी जो मैंने दूध आया हुआ था उसमें का आज के ही दूध का वो क्रीम और दूध है। इससे एकदम क्रीमी टेक्सचर आ जाएगा सब्ज़ी में और उसका जो स्वाद है वो भी लाजवाब रहेगा। इसमें मैंने एक छोटी ग्लास पानी डाला है उसका रसेदार बनाने के लिए, उसका मसाला अच्छे से तैयार होने के लिए। आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं।
को। देखिए हमारी सब्जी का कलर कितना प्यारा लग रहा है और ये बहुत ही टेस्टी है। तो आलू तो सीजे हुए ही है क्योंकि हमने कुकर में पहले ही कर लिए थे, इससे कोई टेस्ट में फ़र्क नहीं होता है। ये बहुत ही अच्छी और प्यारी लगती है सब्जी खाने में। देखिए कितनी सुंदर लग रही है हमारी सब्जी और कितनी प्यारी लग रही है। अब इसमें हम थोड़ा गरम मसाला और नमक, नमक तो मैंने आलू जब कुकर में लगाए थे तब डाला था और अभी हम थोड़ा और नमक डालेंगे। तो हमने पहले नमक डाला था उसके अकॉर्डिंग हम नमक थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये थोड़ा गरम मसाला है, ये भी घर में बना हुआ है गरम मसाला। मैंने एक चम्मच यहाँ पे गरम मसाला डाला है। ज़्यादा गरम मसाला मत डालिए क्योंकि ज़्यादा डालने से कभी कभार गले में जलन सी भी हो जाती है। तो गरम मसाला अपने हिसाब से कम ज़्यादा करिए। ये थोड़ा और क्रीम में डाल रही हूँ सब्जी में, इससे और भी हमारा क्रीम स्ट्रक्चर आएगा। देखिए हमारी सब्जी कितनी प्यारी लग रही है, बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनी है। तो हमारी सब्जी रेडी है खाने के लिए। खाने के लिए रेडी है हमारी सब्जी, तो बिल्कुल आप बनाइए घर पे। इसे आप अपने चावल के साथ में